या मतलब वही थोड़ा सा इसके बारे में क्वेरी कि किस तरीके से एडअप करना चाहिए उसको, या फिर जब थोड़ा सा डाउनफॉल हो तब हम लोग नहीं उसको कैरी करें, तो उस चीज के लिए। ठीक बात। तो इंफोसिस आपने वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जी अच्छे लेवल्स पे, 1250 के जोन्स पर, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1900 के लेवल्स के आसपास इंफोसिस कामकाज कर रहा है। आज तक कैसे अप्रोच करा जाए? वैसे एक साल का चार्ट एक्स्ट्रा उठाइएगा तो अगस्त से मेरे ख्याल से मिड दिसंबर तक एक कंसोलिडेशन, और मिड दिसंबर ऑनवर्ड्स अब बढ़िया चाल पकड़ी है इंफोसिस ने अपने रिकॉर्ड हाईस पे कामकाज करता हुआ। और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से वेनसडे 12 जनवरी शायद वेनसडे पड़ेगा इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने पर। आज तक ठीक है, ये सब तो अभी की कहानी, वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आज से ए, क्या इंफोसिस सही स्टॉक है रखने के लिए? बी, 167 शेयर्स और है ऑलरेडी मेरे पास, अगर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैठे तो हर मंथ ऐसा करूंगा एक दो शेयर और ऐड करता चलूं, कैसे अप्रोच करूं इस स्टॉक को, कैसे इसका फायदा उठाऊं लॉन्ग टर्म जर्नी में? देखिए, इंफोसिस की बात करें तो बिल्कुल ये स्टॉक हर डिप पे एक्यूमुलेट करने जैसा है। तो पहला तो इनको अभी तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस जो ली हुई है उनको तो होल्ड करेंगे। इसमें जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन जो अभी देखने को मिलेगा इमीडिएटली 2150 का रहेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो आशीष देखा गया, जब भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता है। हो सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे आए तो भी ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट दिखाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये गिरता है तो बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से ये देगा। तो जब ये गिरेगा और तकरीबन अगर ये आता है 1650 से 1700 के जोन में, तो वहां पे वापस से एक्यूमुलेट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इस काउंटर में इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी। साल भर या उससे अगर ज्यादा का नजरिया है तो 2500 तक के भी मैं लेवल्स यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी इस काउंटर को। तो बिल्कुल यहाँ पे रखना है, जो पोजीशंस हैं उसको रखिए, नई पोजीशंस को अभी ना खरीदे। मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद थोड़ा गिरावट आएगा, तब वहां पे अच्छे मौके मिलेंगे, तब आप नई पोजीशंस की तरफ ध्यान रखिए 1650 से 1700 के आसपास। और टारगेट इसमें इमीडिएट रहेगा 2150, लॉन्ग टर्म रहेगा 2500।